कोई जीवित चीज इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहती है। पेड़ सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक दिन ऐसा आता है जब वे मुरझा जाते हैं। लेकिन वे इतने दिनों तक जीवित रह सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन पेड़ों को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वे इस दुनिया की है ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे अजीब और पुराने पेड़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 5, जनरल शेरमन। अमेरिका के सियरा नेवादा माउंटेन पर एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसकी ऊंचाई 380 फीट और मोटाई 25 फीट है। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। सियरा नेवाडा माउंटेन पर हाइपेरियन प्रजाति के इस पेड़ को कोस्ट रेडवुड कहा जाता है। इस पेड़ को जनरल शेरमन का नाम पर्यावरणविद जेम्स वॉल्ट वॉल्टन ने 1889 में अमेरिकन सिविल वॉर के जनरल विलियम शेरमन के नाम पर दिया। इस प्रजाति के पेड़ों की उम्र 3000 वर्ष होती है, मगर इसने 3500 से अधिक वर्ष पूरे करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया। कुछ लोग इसे नेचुरल स्काई स्क्रेपर भी कहते हैं। हालांकि यह अब तक का सबसे ऊंचा पेड़ नहीं है, क्योंकि कैलिफोर्निया के त्रिनिदाद सिटी में कोस्ट रेडवुड पेड़ था जिसकी ऊंचाई इससे 15 से 25% ज्यादा थी। 1940 के दशक में उसे काट दिया गया था। नंबर 4, द आर्बर डेल ट्यूल। यह पेड़ दुनिया भर में अपने मोटाई के कारण फेमस है, जो लगभग 138 फुट है। इसकी ऊंचाई 141 फुट है। यह मेक्सिको में सांता मारिया डेल ट्यूल नामक स्थान पर स्थित है। इसकी एक और खास बात यह है कि यह आर्बर डेल ट्यूल अभी भी बढ़ रहा है। यह पेड़ इतना बड़ा और मोटा है कि कई लोगों का मानना है कि यह एक पेड़ नहीं बल्कि 10-15 पेड़ों से बना हुआ है। लेकिन यह बात गलत सिद्ध हुई, क्योंकि इसके डीएनए टेस्टिंग के बाद यह साबित हो गया कि यह केवल एक ही पेड़ है। इसकी उम्र 1200 से 3000 के बीच है, मगर कई लोगों का मानना है कि यह 6000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस पेड़ में कई जानवरों की आकृतियां छपी हुई है। नंबर 3, सोकोत्रा ड्रैगन ट्री। इसे ड्रैगन ब्लड ट्री भी कहते हैं। इस पेड़ की खास बात यह है कि जब इसे काटा जाता है तब इसके अंदर से लाल रंग का एक सैफ निकलता है जो बिल्कुल खून के जैसा दिखाई देता है, जिसे वहाँ के लोग ड्रैगन ब्लड कहते हैं। यह सोकोत्रा द्वीप पर पाया जाता है। ये द्वीप और भी कमाल के चीजों से भरा हुआ है, इसलिए इस द्वीप की तुलना दूसरे ग्रह से की जाती है। यहाँ पर मौजूद पौधों की 37% प्रजाति पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती है, जिसमें से एक ड्रैगन ब्लड ट्री भी है। ये एक पेड़ों की रेयर स्पीसीज है जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि इससे निकलने वाला सैफ बहुत कीमती है और लोग इसका व्यापार करते हैं, जिसके कारण इन्हें बहुत अधिक मात्रा में काटा जा रहा है। नंबर 2, बोआब प्रिजन ट्री। यह पेड़ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर डर्बी के दक्षिण में स्थित एक विशाल खोखला पेड़ है। यह माना जाता है कि इसका उपयोग 1890 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई स्वदेशी कैदियों को डर्बी में उनकी सजा के रास्ते पर बंद करने के लिए किया जाता था। इसे कुमुदज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उम्र 1500 साल से भी अधिक है। इस पेड़ की मोटाई लगभग 15 मीटर है। ये अब पूरी दुनिया में केवल एक ही बचा है, इसलिए इसके बचाव के लिए लोगों ने इसके चारों ओर फेंस लगा दिया है। नंबर 1, एवेन्यू ऑफ बाओबाब। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 मीटर होती है और चौड़ाई लगभग 11 मीटर होती है। इस पेड़ की बनावट अन्य पेड़ों से काफी अलग है, क्योंकि इसे देखने से ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें ऊपर और तना नीचे है। बाओबाब में केवल साल के 6 महीने ही पत्ते लगते हैं। इसे लोग बोआब, बोआ बोआ तथा उल्टा पेड़ के नाम से भी बुलाते हैं। इसे अरबी भाषा में बू हिबाब कहते हैं, जिसका अर्थ है कई बीजों वाला पेड़। आपको बता दें कि अफ्रीका में इसे द वर्ल्ड ट्री की उपाधि भी प्रदान की है और इसे एक संरक्षित वृक्ष भी घोषित किया है। मेडागास्कर में स्थित कुछ बाओबाब के पेड़ बहुत ही पुराने हैं, जो लगभग 1200 साल पुराने हैं। एक ऐसा ही वृक्ष इफेती शहर के पास भी है और इस पेड़ का नाम टी पॉट बाओबाब है। विशेषज्ञों का इस पेड़ के बारे में कहना है कि यह पेड़ 1,17,300 लीटर पानी स्टोर कर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे अपना बहुमूल्य लाइक जरूर दे। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो यार मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय धरती माँ।